नमस्कार, मैं हूँ रंजना, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। हम खड़े हैं केएल मेहता कॉलेज के पास। यहाँ पर एक नाला है बराबर में और नाले की सफाई अब तक नहीं की गई है, ना इस ओर कोई ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो नाला है इसको लेकर बीमारियां भी पनप रही हैं और आए दिन, अभी बरसात का मौसम है तो बरसात में ये नाले का पानी जो है वो बरसात के पानी में मिक्स हो जाता है और रोड तक आ जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये रोड पर आ जाता है पानी और इसी में से आए दिन लोग जो है वो बाहर वाहन भी चलाते हुए निकलते हैं, साथ में रोड पर सड़क पर पैदल भी चलते हैं लोग। अब आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी सारी बीमारियां जो हैं पनप रही हैं और अभी मानसून भी है और वायरल भी चल रहा है। बीमारियों का कारण है सबसे बड़ा गंदगी का इकट्ठा होना। अब आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पर इकट्ठी है। नाले बन चुके हैं राहगीरों के लिए मुसीबत। ना तो इनकी सफाई ही की जाती है, ना इनमें कूड़ा फेंकना ही बंद होता है। अब नालों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कूड़ा डालने की वजह से नाले भर जाते हैं, जिसकी वजह से नालों में से भयंकर बदबू भी आने लगती है। नाले रोड पर लगे हुए हैं, जैसे ही बरसात होती है नालों का पानी रोड पर आ जाता है, लोगों का रोड पर चलना भी दुर्भर हो जाता है। अगर नगर निगम इन नालों की सफाई की ओर ध्यान दे तो नाले तो साफ रहेंगे ही, इनसे होने वाली बीमारियों से भी बचाव हो सकेगा, लेकिन नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। नगर निगम की लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।